प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वैश्विक पुनरुद्धार में अग्रणी भूमिका निभा रहा है भारत। कहा, देश विभिन्न सामाजिक और आर्थिक चुनौतियों का सामना करने में है सक्षम। कोरोना संक्रमण में 62% पहुंचा रिकवरी रेट, स्वास्थ्य मंत्रालय का दावा। दूसरे देशों के मुकाबले भारत की रिकवरी रेट ज्यादा और मृत्यु दर है कम। शिवरात्रि पर मंदिरों में गंगाजल उपलब्ध करवाएगी हरियाणा सरकार। डाक विभाग ने भी गंगाजल उपलब्ध कराने के लिए बनाए काउंटर। और दुग्ध उत्पादक किसानों के क्रेडिट कार्ड बनाएगी हरियाणा सरकार। बिना गारंटी 1,60,000 रुपए तक का ले सकेंगे ऋण। नमस्कार, मैं मंजू सिंधु और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत वैश्विक पुनरुद्धार में अग्रणी भूमिका निभा रहा है और नए आर्थिक अवसर प्रदान कर रहा है। विकास के लिए मानव केंद्रित और समावेशी दृष्टिकोण अपना रहा है। इंडिया ग्लोबल वीक 2020 पर अपने उद्घाटन भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत प्रतिभा का शक्ति केंद्र और एक स्वाभाविक सुधारक है जो विभिन्न सामाजिक तथा आर्थिक चुनौतियों का सामना कर सकता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत कोविड-19 महामारी से प्रभावी तरीके से निपट रहा है। सरकार ने लोगों के कल्याण के लिए कई कदम उठाए हैं। 3 दिन के इंडिया ग्लोबल वीक 2020 का विषय है पुनरुप्रवर्तक बने भारत और बेहतर नया विश्व। इस आयोजन में 30 देशों से 5,000 ग्लोबल भागीदार शामिल हो रहे हैं। इस वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के 75 सत्रों को 250 वैश्विक वक्ता संबोधित करेंगे। इसमें वैश्विक विचारक और उद्योग जगत के दिग्गज कोविड-19 के बाद भारत में अवसरों और वैश्विक आर्थिक पुनरुद्धार से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करेंगे। बैटल अगेंस्ट द ग्लोबल पैंडेमिक विद एन इंक्रीज्ड फोकस ऑन पीपल्स हेल्थ, we are equally focused on the health of the economy. When India talks of revival, it is revival with care, revival with compassion, revival which is sustainable both for the environment and the economy. We in India belong to the culture where Mother Nature is worshipped by everyone. It is believed in India that the earth is our mother and we are her children. Friends, during the last 6 years, India has made great gains in areas such as total financial inclusion, record housing and infra construction, ease of doing business, bold tax reforms including the GST, rollout of the world's largest healthcare initiative, Ayushman Bharat. These gains have set the foundation for the next round of development initiatives. कोरोना मामले में रिकवरी रेट लगातार बढ़ती जा रही है। रिकवरी रेट 62% तक पहुंच गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने आज देश में कोविड-19 की स्थिति पर प्रेस वार्ता की। मंत्रालय के अनुसार दूसरे देशों के मुकाबले भारत में रिकवरी रेट ज्यादा और मृत्यु दर कम है। कुशल प्रबंधन और बेहतर व्यवस्था पर देश में ये परिणाम देखने को मिला है। मंत्रालय के अनुसार भारत आबादी के हिसाब से दुनिया का दूसरा बड़ा देश है। ऐसे में जिस हिसाब से रिकवरी रेट बढ़ रही है वो सकारात्मक है। संक्रमण की अपेक्षा रिकवरी रेट लगभग 2 गुना है। देश में अभी 2,69,789 सक्रिय मामले हैं, जबकि 4,76,000 से अधिक ठीक हो चुके हैं। प्रति 10 लाख में 15 लोगों की मृत्यु हो रही है। मंत्रालय के अनुसार भारत बायोटेक और केडिला वैक्सीन पर काम कर रहे हैं। जानवरों पर ट्रायल भी हो चुका है और DGCI ने मानव पर फेज 1 और फेज 2 के ट्रायल की अनुमति दी है। अभी ट्रायल शुरू नहीं की गई है। मंत्रालय के अनुसार कोविड-19 के दौरान भारत ने सराहनीय काम किया है, सिचुएशन मैनेज की है और इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया है। कि वी आर द सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, और ये स्लाइड ये दिखाती है कि इतनी बड़ी आबादी होने के बाद भी हमने कोविड के मैनेजमेंट में अभी तक संतोषप्रद कार्य किया है।
Similarly, if we look at death per million population, again, the scenario in India is amongst the lowest in the world. We have 15 deaths per million population, whereas we have countries where it is 40 times as much. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने बताया कि भारत में अभी कोरोना का कोई भी कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं हुआ है। 18वें मंत्रिमंडल के समूह की बैठक के बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि भारत में कोरोना से स्वस्थ होने की दर ज्यादा है और मृत्यु दर सबसे कम है। रिकवरी रेट 62% से भी ज्यादा है और मृत्यु दर 3% से भी कम है। उन्होंने कहा कि सरकार ने मृत्यु दर 1% से भी कम लाने का लक्ष्य रखा है और इसके लिए प्रयास जारी है। भारत सरकार हर तरीके से सारे देश को हेल्प कर रही है। हमारी 15 से ज़्यादा टीम्स सारे देश में बड़ी हाई पावर्ड लगातार जाती है, जा चुकी है, और इसके अलावा भी कंटिन्यूसली स्टेट्स के साथ लगातार हम लोग टच में हैं। कैबिनेट सेक्रेटरी से लेकर और हेल्थ मिनिस्ट्री तक हर स्तर पर सारे देश के साथ कोऑर्डिनेशन है, और एक एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी चीजों को बारीकी से मॉनिटर किया जा रहा है। सावन का महीना चल रहा है, कोरोना वायरस के चलते कावड़ यात्रा पर रोक है। ऐसे में शिवरात्रि पर भगवान भोलेनाथ के जलाभिषेक के लिए हरियाणा सरकार मंदिरों तक गंगाजल पहुंचाने की व्यवस्था कर रही है। हरियाणा के पर्यटन मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने बताया कि सरकार ने हरिद्वार से गंगाजल लाकर जिलों के बड़े बड़े शिव मंदिरों में पहुंचाने के इंतजाम किए हैं। एक सवाल के जवाब में शिक्षा मंत्री ने बताया कि हरियाणा सरकार स्कूलों को खोलने के लिए पूरी तरह से तैयार है। जैसे ही गृह मंत्रालय से इस बारे में निर्देश मिलेंगे, स्कूल खोल दिए जाएंगे। सीबीएसई की तरफ से पढ़ाई का सिलेबस कम करने के फैसले के बारे में शिक्षा मंत्री ने कहा कि ये एक अच्छा कदम है। कोरोना प्रकोप के चलते इस बार स्कूलों में पढ़ाई पूरी नहीं हो सकती। सीबीएसई के तर्ज पर हरियाणा सरकार भी सिलेबस को कम करेगी। सरकार ने एक निर्णय लिया कि अब की बार गंगा जल जो है वो सरकार वहाँ से लेके आएगी, उसकी व्यवस्था सरकार कराएगी, और जो उनका एक बहुत लंबे टाइम से जीवन का जो एक चला रहा है कि हर बार सावन के महीने में वो जल अभिषेक कराते हैं भगवान शंकर का, तो वहीं से उनको जल की जो व्यवस्था है वो सरकार करेगी, वो जल अभिषेक कर सकेंगे। तो ऐसे में अगर 234 दिन के मुकाबले में हमारे पीरियड कम लगते हैं तो स्वाभाविक ही है कि हम सिलेबस को उसी परसेंटेज में कम भी करेंगे, और इसके लिए हमने केंद्र सरकार जो है उसको हमने आग्रह भी किया था कि उसी प्रकार का निर्णय लेंगे। सावन के महीने में मंदिरों और शिवालयों में भगवान शिव की पूजा अर्चना के लिए इस बार डाक विभाग द्वारा भी लोगों को गंगा जल उपलब्ध करवाया जा रहा है। फरीदाबाद के पोस्ट ऑफिस मुख्यालय पर 250 ml की बोतल 30 रुपए में खरीदी जा सकती है। सुपरवाइजर अनीता ने बताया कि इस बार कावड़ यात्रा पर प्रतिबंध है, जिसके चलते यहां पर विशेष रूप से गंगा जल उपलब्ध करवाया जा रहा है। मंदिर प्रबंधन भी उनसे संपर्क करके ऑर्डर बुक करवा सकते हैं। कारण सरकार ने कावड़ यात्रा पे रोक लगा दी है, तो जिसके कारण ये जो गंगा जल की सप्लाई है सरकार ने हमें सप्लाई दी है डाकघरों को, और जो भी कावड़ यात्रा को मतलब कि एक पूरा करना चाहते हैं या एक अर्थ पूरा लेना चाहते हैं तो वो यहाँ से कॉन्टेक्ट करके गंगा जल को ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कोई भी जैसे बड़े बड़े मंदिर हैं या शिवालय हैं वो भी हमारे यहाँ कॉन्टेक्ट करके ऑर्डर बुक करा सकते हैं और इस सेवा का यूज़ कर सकते हैं। एक बोतल में 250 ml की है और उसका रेट है 30 rupees। पोस्ट ऑफिस मुख्यालय से गंगा जल खरीदने आए ग्राहक ने बताया कि उसने यहां से गंगा जल खरीदा है। उन्होंने विभाग की इस योजना की सराहना की। बीमारी फैली हुई है कांवर यात्रा पर, हरियाणा सरकार ने बैन लगा रखी है, तो मैं NIT के जो मेन मुख्य डाकघर है वहाँ पर आया हूँ, उनसे बातचीत की है, तो वाकई में यहाँ पर गंगा जल मिल रहा है और काफ़ी सराहनीय कदम है सरकार का, क्योंकि जिस तरीके से जो यात्रा नहीं करते जो भक्त शिव भक्त कहीं ना कहीं कांवड़ लेकर जाते हैं, गंगा जल लेकर आते हैं और शिवालयों पर चढ़ाते हैं, तो ऐसे में उन शिव भक्त के लिए कहीं ना कहीं एक सुनहरा मौका है, अच्छा मौका है कि आप यहाँ से गंगा जल लेकर और कहीं ना कहीं शिव जी की पूजा कर सकते हैं। कोरोना काल में दुग्ध उत्पादक किसानों के सामने आर्थिक संकट पैदा ना हो, इसके लिए सरकार ने किसानों के क्रेडिट कार्ड बनाने का निर्णय लिया है। इसके तहत वीटा मिल्क प्लांट जींद को दूध की आपूर्ति करने वाले जींद, हिसार और भूना क्षेत्र के किसानों के क्रेडिट कार्ड बनाए जा रहे हैं। 1,60,000 तक के ऋण के लिए किसानों को किसी प्रकार की गारंटी देने की आवश्यकता नहीं होगी। मिल्क प्लांट प्रबंधन स्वयं किसानों से पैन कार्ड और बैंक की पासबुक की प्रति ले रहा है। किसानों की आर्थिक समस्याओं को दूर करने
करने और वीटा मिल्क प्लांट को दूध आपूर्ति लगातार जारी रहे इसके लिए सरकार ने ये अहम कदम उठाया है। इसके जरिए किसानों को आर्थिक मदद भी मिल सकेगी। जींद के उपायुक्त डॉ. आदित्य दहिया ने बताया कि कोरोना संकट से किसानों को उभारने के लिए केंद्र एवं राज्य सरकार प्रयासरत है। उन्होंने बताया कि अब तक 12,000 किसानों के क्रेडिट कार्ड बनाए जा चुके हैं और बाकी किसानों के कार्ड बनाए जा रहे हैं। उन्होंने किसानों से आह्वान किया कि जिनके कार्ड नहीं बने हैं वे भी जल्द ही इस योजना का लाभ उठाएं। हमने जो वीटा है और हमारी भारत सरकार है, हरियाणा सरकार, वो लगातार प्रयासरत है इनकी हर तरह से मदद की जाए। हमारे जींद जिले में लगभग 47,200 ऐसे डेयरी फार्मर हैं जिनमें से 12,700 के लगभग हमने किसान क्रेडिट कार्ड के लिए फार्म भरवा दिए हैं और इनमें से 3,300 ऐसे किसान भाई हैं जिनका बैंकों में भी ये भेजा गया है। इससे सभी किसान भाइयों को बहुत लाभ होगा जो डेयरी के हमारे फार्मर हैं, और मैं अनुरोध करूंगा हमारे किसान भाइयों से कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इस किसान क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करें और इस स्कीम का लाभ पाएं। दूध की आपूर्ति करने वाले किसानों ने भी इस योजना का स्वागत करते हुए बताया कि ये सरकार का बहुत ही सराहनीय कदम है, इससे उन्हें काफी आर्थिक लाभ मिल सकेगा। दूध डेयरी कार्य के लिए बनाए जा रहे हैं जो कि किसानों का लॉकडाउन के अंदर दूध बेचकर अपना गुजारा कर ले, उससे अपने आमदनी बढ़ जाए। ये बहुत ही बढ़िया पहल है, इससे किसानों को बहुत बढ़िया लाभ मिलेगा, इससे जो बच्चों का गुजारा है किसान का चल पाएगा। जब से हरियाणा में कोरोना का प्रभाव बना है तब से आज तक हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़े जिला यमुनानगर के 30,000 परिवारों ने लगभग 2,00,000 मास्क तैयार किए हैं। लगभग 76,000 मास्क निशुल्क पंचायतों में वितरित भी किए जा चुके हैं। मिशन के जिला कार्यक्रम प्रबंधक देवेंद्र शर्मा ने बताया कि मिशन के साथ जुड़े परिवार स्वावलंबी बनकर प्रदेश की योजनाओं को कामयाब कर रहे हैं। सदस्यों के अनुसार दीनदयाल अंत्योदय राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन एवं हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन महिलाओं के लिए सार्थक सिद्ध हो रहा है। हरियाणा में ग्रामीण आजीविका मिशन की स्थापना 1 अप्रैल 2016 को हुई थी और राज्य को केंद्र द्वारा चलाई गई स्कीम दीनदयाल अंत्योदय राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से काम करना होता है। जगाधरी ब्लॉक के लिए नई लहर महिला क्लस्टर लेवल फेडरेशन के माध्यम से मास्क व पीपी किट बनाने का कार्य जारी है। देवेंद्र शर्मा के अनुसार प्रत्येक समूह को 10,000 रुपये रिवॉल्विंग फंड दिया जाता है और ग्राम संगठन को अपने रोजगार को बढ़ावा देने के लिए CIF 50,000 रुपये का फंड दिया जा रहा है। ग्राम पंचायत, जिला परिषद, इन सभी को हमने सप्लाई दी है जो स्वयं सहायता समूह तैयार किए हैं। इसके बाद मई के अंदर अभी तक हमने 8 स्टॉल लगाए हैं, उनोपी और स्टॉल जो एस्टेब्लिश किए हैं, उसके अंदर भी ये सैनिटाइजर, हैंड वॉश, पीपी किट और ये मास्क में बेचे जा रहे हैं। इन बहनों ने आज तक, जो कि 25 मार्च से कोरोना जब से चला तब से आज हमने 1,75,000 मास्क बना चुके हैं, जो हमारे जगाधरी ब्लॉक में 30,000 मास्क बन चुके हैं। हम हर एक बहन को प्रदेश से जुड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल को फॉलो कर सकते हैं। प्रदेश में सार्वजनिक निजी भागीदारी पद्धति पर कचरे के डोर टू डोर कलेक्शन, ढुलाई और निपटान के लिए एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन परियोजना का विकास किया जाएगा। हरियाणा की मुख्य सचिव केशनी आनंद अरोड़ा की अध्यक्षता में बुधवार को चंडीगढ़ में हुई एक बैठक में इस परियोजना पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में बताया गया कि प्रदेश में एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए 81 शहरी स्थानीय निकायों को 13 क्लस्टरों में बांटा गया है। क्लस्टर में विभाजित किए जाने से म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट को घर घर जाकर एकत्रित किया जा सकेगा। इसके अलावा इसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित भी किया जा सकेगा। बैठक में बताया गया कि एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन परियोजना के तहत शिकायत निवारण केंद्र की स्थापना का भी प्रस्ताव है। ये परियोजना ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 और NGT के निर्देशों का पालन करेगी। फतेहबाद की जीवन रेखा घग्गर नदी इन दिनों तटीय क्षेत्रों के खेतों को सिंचित कर किसानों के लिए मददगार साबित हो रही है। पिछले कई महीनों से इस नदी में पानी न आने से इस क्षेत्र का भूजल स्तर काफी नीचे चला गया था, जिसके कारण किसानों को फसलों की सिंचाई करने में काफी समस्या हो रही थी। इस सीजन में हिमाचल, पंजाब, हरियाणा में हुई बारिश के बाद नदी में साफ पानी आ रहा है। खास बात यह है कि अब नदी में हिमाचल और पंजाब की फैक्ट्रियों से
केमिकल युक्त जहरीला पानी शामिल नहीं है। घग्गर नदी के आसपास के किसानों ने कहा कि इस बार की बारिश उनके लिए वरदान बनकर आई है। उन्होंने कहा कि पिछले लगभग 40 वर्षों के बाद ऐसा स्वच्छ पानी घग्गर नदी में देखने को मिल रहा है। पहले पानी का प्रयोग करना तो दूर की बात थी, दुर्गंध के कारण यहाँ पर खड़ा भी नहीं हुआ जा सकता था। किसानों ने कहा कि शुद्ध पानी से नरमा धान, कपास और अन्य फसलों की सिंचाई से उत्पादन में भी काफी बढ़ोतरी होने की संभावना है। भी बहुत नीचे भागे सी, हुण सानू बहुत फायदा हो रहा, साफ पानी है, साफ सुथरा, पशु पीण वास्ते नहाण वास्ते सानू कम आई जांदा जी, बहुत साफ पानी है, आही साफ पानी आना चाहिए। जेडे बोरे हेठां गए सी 300-400 फुट पानी भाग गया सी, हुण उपर आ गया जी 200 फुट उपर पानी आ गया, इसे तरह घग्गर नदी का पानी साफ रहे जे गंदी। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा वैश्विक पुनरुद्धार में अग्रणी भूमिका निभा रहा है भारत। कहा देश विभिन्न सामाजिक और आर्थिक चुनौतियों का सामना करने में है सक्षम। कोरोना संक्रमण में 62% तक पहुंचा रिकवरी रेट, स्वास्थ्य मंत्रालय का दावा, दूसरे देशों के मुकाबले भारत की रिकवरी रेट ज्यादा और मृत्यु दर है कम। शिवरात्रि पर मंदिरों में गंगाजल उपलब्ध कराएगी हरियाणा सरकार, डाक विभाग ने भी गंगाजल उपलब्ध कराने के लिए बनाए काउंटर। और दुग्ध उत्पादक किसानों के क्रेडिट कार्ड बनाएगी हरियाणा सरकार, बिना गारंटी 1,60,000 रुपए तक का ले सकेंगे ऋण। समाचारों में आज के लिए इतना ही, नमस्कार।